आज जिन हाथों में पेंसिल और स्केच बोर्ड है, कभी इन हाथों में बंदूक हुआ करती थी। ये 30 साल मूसा हैं। कराची सेंट्रल जेल में कैद मूसा खान का ताल्लुक शिदत पसंदी से मुतासर इलाके सवात से है। वो जेल में एक कत्ल के केस में कैद है, मगर उन्होंने फाइन आर्ट्स की क्लास में दाखिला लिया और जेल के अंदर एक अच्छे आर्टिस्ट बनने की जुस्तजू में है। मूसा खान ने अपने काम में शिदत पसंदी को मौजू बनाया है। उन्होंने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात में तालिबान की आमद से कबल उनका अच्छा खासा कारोबार चल रहा था। जूस का फैक्ट्री चला रहा था, गुड़ का मेरा मंडी है, कारोबार है। आबाव अजाद के जमाने से मैं सवात में था, सवात के मिंगोरा ग्रीन चौक में, जो अब खूनी चौक तालिबानाइजेशन या तालिबान की वजह से उसका नाम अब खूनी चौक रख दिया गया है। मूसा खान ने बताया है कि उन्होंने अपने साथियों से मिलकर तालिबान के खिलाफ पख्तून अवामी लश्कर तश्कील दिया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। उनका कहना है कि मुसल्लत तालिबान ने उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की। लश्कर में हजारों लोग थे सर, हजारों शुमार हम नहीं करते थे, रोज बरोज उसमें इजाफा होता जा रहा था। और ऐसे जो वो लोग थे जो हम जैसे उसके खिलाफ लड़ते थे कि ये फंडामेंटलिस्ट है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, तो तालिबान उनको जबा करते थे, तालिबान उसको घर जलाते थे उनका। आपके साथी रिश्तेदार अजीज, मेरे दो चचा आजादों को उधर जबा किया, सर काट के रख दिया, तो फिर मेरे पीछे भी पड़े और बहुत जोर लगाया। तो मुझ जैसे हजारों लोग, कोई यूरोप चला गया, कोई रूस चला गया, कोई आगे पीछे अमेरिका चला गया, कोई बाहर मुल्कों में चला गया। सेंट्रल जेल कराची के सुपरिटेंडेंट नुसरत मंगन मूसा के काम से बहुत मुतासर है। मुझे बिल्कुल हैरत की बात ये लगती है कि उसने बहुत जल्दी बहुत अच्छा पिक किया है और बहुत उसका अच्छा काम है। ना सिर्फ एज एन मतलब आर्टिस्ट उसका काम अच्छा है, एक उसके जो आइडियाज हैं, उसके जो थॉट्स हैं एजुकेशन के हवाले से, चाइल्ड राइट के हवाले से, और जो जो सोसाइटी में जो इस वक्त जो जमूद तारी है उसको तोड़ने के हवाले से जो उसके स्केचेज हैं, उसकी पेंटिंग्स हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। दूसरी जानिब जेल में फाइन आर्ट्स की क्लास के टीचर सिकंदर अली भी मूसा के काम को काबिले तारीफ समझते हैं। मूसा को हम अपने यहाँ फाइन आर्ट क्लास में प्यार से पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं इकबाल मेहदी, वो हम कहते हैं इनको। इतना उसका सुपर रियलिज्म काम है, और न सिर्फ मेरी मेहनत से लेकिन एक हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट यहाँ शागिर्द हैं हसन रजा काजम शाह, उनकी मदद से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और उनके पास शो के अलावा टाइम भी है यहाँ बैठ के काम करने के लिए, तो इसलिए वो एक्सपर्ट है। मूसा खान ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों में सवात से कराची तक का सफर किया है। ये सफर उनके लिए तब्दीली का सफर बन चुका है। वो तालिबान के खिलाफ लश्कर के मुसल्ला रुकन में से एक आर्टिस्ट बन गए है। उस टाइम में तालिबान के खिलाफ बंदूक उठा के लड़ता था अपनी कौमी लश्कर के साथ। अभी इधर आया हूँ, फाइन आर्ट में हूँ, तो रंगों के जरिए कैनवस पे डाल के हम ये रंगों के जरिए हम लड़ते हैं। मूसा खान का कहना है कि वो जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद में फाइन आर्ट के एक इदारे में दाखिला लेंगे, जहां से वो मुजस्मा साजी का हुनर सीखेंगे और पख्तून समाज में तालिबान की शिदत पसंदी के खिलाफ अपना काम जारी रखेंगे। पहले भी हमने इसको पसपा किया है, खत्म किया है, और हम फिर भी लड़ेंगे, और ये तालिबानाइजेशन इंशाल्लाह पख्तून सोसाइटी से ये हम साबित करके रहेंगे। अभी देखे पिछले इलेक्शन में मौलवियों को एक सीट भी नहीं मिला, अमन के नाम से जिसने वोट मांगा उसको सेलेक्ट किया। ख्याल रहे कि तालिबान फाइन आर्ट के तमाम लतीफ फनून बशमूल मुजस्मा साजी को गैर इस्लामी करार देते हैं, और ऐसा काम करने वाले की सजा तालिबान की शरीयत में मौत है। मगर मूसा को यकीन है कि वो अपने पख्तून समाज की फितरी तरक्की में साथ देंगे और नए समाजी इकदार को आगे बढ़ाएंगे। निसार खोखर, BBC कराची।